हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड टीके जी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बारे में। और अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे मेरा सेकंड चैप्टर, इसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मेरे डीके गोयल बुक के राइटर का है। इन्हीं के बुक को दोस्तों हम अपने हर वीडियो में पढ़ाते हैं। चलिए सर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी दोस्तों आपका एक प्रकार का टैक्स है। उस टैक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी कौन सा टैक्स है और कैसा है, क्या होता है जीएसटी। आज उस टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जीएसटी का डेफिनेशन और उसके बारे में सब कुछ एक साथ आपको बताते चले कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोस्तों जीएसटी का फुल नेम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी का जो डेफिनेशन है, ऑल इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्सेस, वीएटी, सर्विसेज टैक्सेस एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब इसका फ्रेंड्स कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वीएटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ऑल टैक्स को मिला के मेरा एक टैक्स बनता है जिसका नाम है जीएसटी। इन सबको मिलाने के बाद मेरा जीएसटी का टैक्स बनता है। जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का आपका टैक्स है और ये सारे टैक्सेस को मिलाने के बाद एक टैक्स बनता है, जो कि आपका अगर बिजनेस चला रहा है अपना, तो आप बिजनेस जब चला रहे हैं तो परचेस करने जब जाते हैं गुड्स को, कोई भी चीज को अगर आप परचेस करने जा रहे हैं तो आप जीएसटी पे करेंगे, तो केवल आपको एक ही बार पे करना होता है। और दोस्तों, जब तक जीएसटी का वो रूल नहीं था तब तक आपको कई बार में टैक्स पे करना होता था और ज़्यादा पड़ता था। अब आपको एक ही बार टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी कब, जब आप गुड्स को परचेस करने जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप गुड्स परचेस करने गए तो आप जीएसटी को पे करेंगे, और जब गुड्स को सेल करेंगे अपने बिजनेस में लाने के बाद तो आपका जीएसटी फिर से कलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो आप टैक्स पे किए हैं वो आपको टैक्स फिर से वापस हो जाएगा। यही दोस्तों आपका जीएसटी। जीएसटी दोस्तों मान लीजिए अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का भी बिजनेस है अगर, तो वो गुड्स लाया परचेस करने के लिए, परचेस करके लाया सेल करने के लिए, जब सेल करेगा तो हमको, जब सेल करेगा तो जो हमको गुड्स मिलेगा तो उस पर हमको, हम जीएसटी पे करेंगे, क्योंकि हम गुड्स खरीद के लाए अपने लिए, तो हम अपना जीएसटी पे करेंगे और गुड्स को लेके आएंगे। जीएसटी के साथ साथ दोस्तों हम उस वैल्यू को भी पे करते हैं, जिस वैल्यू गुड्स का जितना वैल्यू होता है वो वैल्यू के साथ जीएसटी को पे करने के बाद मेरा टैक्स एक ही बार में होता है। या फिर नहीं तो दोस्तों अगर हम जीएसटी का रूल नहीं होता तो कई बार हमको टैक्सेस पे करना पड़ता था। ये दोस्तों आपका जीएसटी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।